करी तो एक उससे भी रिलेटेड सवाल है, कोरोना तो मार्केट के लिए एक ट्रिगर है ही, बट नतीजे सर कितना इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते भी 11 नतीजे निफ्टी के भारतीय बाजार में आएंगे और उससे ज्यादा वायदा कारोबार के नतीजे, और ग्लोबली भी अगर हम देखें तो सारी की सारी जो यूएस की दिग्गज आईटी कंपनीज है उनके भी नतीजे आने वाले हैं, तो अर्निंग्स कितना बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस हफ्ते बाजारों के लिए? दीप, बड़े छोटे ट्रिगर से ज्यादा अर्निंग्स है ना एक बहुत अच्छा ट्रिगर है, पॉजिटिव ट्रिगर है। वो कैसे मैं बताता हूँ। पॉजिटिव ट्रिगर इस सेंस में नहीं कि रिजल्ट सारे बहुत अच्छे आने वाले, मैं उस एंगल से नहीं कह रहा। क्या होता है कि आप बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, मतलब तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, किस चीज से। कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम होता है, कुछ लोगों को मेरी तरह योगा वगैरह कर लेने से स्ट्रेस कम हो जाता है। बाजार का जो स्ट्रेस है कोरोना को लेकर, वो स्ट्रेस हो सकता है नतीजों का सीजन कम करे। क्यों? कि आपका फोकस सिर्फ कोरोना के आंकड़ों को देखने के बजाय कंपनियों के आंकड़ों पे को देखने पर जाएगा, और अगर रिजल्ट सीजन से कोरोना से थोड़ा फोकस हम रिजल्ट सीजन पर कर पाए, 11 निफ्टी के नतीजे और वायदा कारोबार के नतीजों की इस हफ्ते की लंबी लिस्ट है, तो कम से कम है ना आप उन आंकड़ों को कम देखेंगे जिन आंकड़ों के दम पर कंपनियों के शेयर लॉन्ग टर्म में चलने चाहिए या गिरने चाहिए, वो है कंपनियों के नतीजे। और अगर वहां पर बाजार का फोकस बनने लगे तो कम से कम है ना जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव फैक्टर्स है बाजार के लिए, उससे बाजार की नजर हटेगी। अल्टीमेटली रिजल्ट के दिन, रिजल्ट के आसपास, पहले या बाद, आप स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से ट्रेड करते हैं, न कि आप बाजार के मैक्रो माहौल, ग्लोबल मार्केट्स, कोरोना के आंकड़ों पर। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट सीजन में मेरे को है ना इस हफ्ते सबसे बढ़िया चीज ये लग रही है, अरे भाई चलो थोड़ा तो कोरोना को छोड़ के कोई और चीज देखे, और वो बहुत जरूरी है जिससे कि आप थोड़ा डिस्ट्रेस हो और थोड़ा एक रैशनल कॉल ले पाए। और बाजार यही सोच रहा है, देखिए दीप, पिछले हफ्ते काफी ट्राई किए, 14,150, 14,200, 14,250, बार बार बाजार आकर वहां सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट इसलिए लेता है कि बाजार को यह पता है कि अगर आपका व्यू 6 महीने का है, साल भर का है, 3 साल का है, तो आपको पता है कि कोरोना नहीं रहेगा और बाजार यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यू 4 से 6 हफ्ते का है, तो आपके लिए यह है कि अभी पता नहीं कि 4 से 6 हफ्तों में सिचुएशन ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आपका व्यू 4 से 6 दिन का है, तो आपको लगता है अरे पता नहीं, ये तो खराब है मामला। तो 4 से 6 दिन वाले व्यू वाले लोगों को खराब लगता है, 4 से 6 हफ्ते वालों को पता नहीं, और 1 से 3 साल वालों को, 6 महीने से 3 साल वालों को ये पता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, और इसी के बीच में बाजार में स्ट्रेटेजी बन रही। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो जो मैं लगातार कह रहा हूं वो अब भी है कि आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, आपको अपनी तेजी की पोजिशन में, आपके इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। और वैसे भी आपको याद है अप्रैल और मई का महीना पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम में, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमने ये कहा था, आप देख लीजिए निफ्टी सेंसेक्स कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है, और मिड कैप शेयरों में कितनी तेजी है। और दीप, एक और चीज आज एक बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि कोरोना के मामले और बढ़ेंगे, घटेंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि शायद इससे बुरा समय हम ना देखें, अब आजकल में एक आध दिन में, 2 दिन में कोरोना के मामले कंट्रोल में आने चाहिए। एक बार बाजार को ये सेंस मिल गया कि इस दूसरी लहर में जितना खराब होना था हो गया, अब यहां से खराब नहीं बेहतर होगा, यकीन मानिए कोई बड़ी बात नहीं, मई में, मई के अंत तक या जून में ये बाजार फिर से नए लाइफ हाई की तरफ पहुंच जाए। उसके पहले एक बार संभावना बन सकती है, अगर मामले ज्यादा बिगड़े, 13,200, 13,500, 13,800 कुछ न कुछ आ सकता है, उससे कभी आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जितनी गिरावट होगी यकीन मानकर चलिए, लिख कर रख लीजिए, रिकवरी जो होगी वो इतनी शार्प होगी कि जिस तरह के पिछले साल की रिकवरी हुई और आप मिस कर गए, इस बार भी वैसा ही होगा, रिकवरी उतनी ही शार्प होगी, उतनी ही तेज होगी, और उस समय आपको रिएक्शन बहुत फास्ट देना है, ये ध्यान में बिल्कुल रख लीजिए। तो जिस दिन बाजार को ये कॉन्फिडेंस पूरा आ गया कि कोरोना का सबसे खराब दौर खत्म हो चुका है, बाजार रिकवरी करेंगे, जिस समय ये कॉन्फिडेंस आ गया कि कोरोना में से अब हम निपट चुके हैं, अब डर नहीं है, उस दिन बाजार में आप बहुत तेजी से रिकवरी और फिर से बाजार को लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए देखेंगे, जो शायद मेरे हिसाब से मई में, जून में कभी होता हुआ दिखे, बड़ी बात नहीं है। जी जी